शिकुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे सभी को। तो भक्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं एक न्यू पोशाक और 12 इंची के विग्रह और उनकी ड्रेस के साइज की हम जो है आज वीडियो बनाएंगे। एक हमारे बहुत ही प्यारे से व्यूवर हैं, उन्होंने हमसे ही जो है वो 12 इंची के विग्रह लिए हैं और उनका बार बार जो है वो आग्रह आ रहा था कि दीदी आपने 18 इंच के विग्रह के लिए पोशाक का साइज बताया है, प्लीज आप जो है वो 12 इंची के विग्रह के लिए भी पोशाक का साइज बताइए ना, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो अपने युगल सरकार के लिए स्वयं घर पर ही पोशाक सिलें, तो उन्हें जो है साइज में प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने जो है राधा कृष्णा की जोड़ी हमसे ही ली है मार्बल डस्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो ड्रेस है बेहद ही खूबसूरत ड्रेस है और ये ड्रेस जो है सिल्क में है, ये प्योर सिल्क में इसका जो है फैब्रिक है और इस पर रेड कलर का बॉर्डर है और ऊपर जो है ग्रीन और हल्का हल्का मस्टर्ड कलर का इसमें टच दिया गया है। और आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा जो है वो दुपट्टा साथ में दिया गया है और पिंक और रेड के मिक्सचर में जो है ये शेड लिए दुपट्टा है। और इसकी जो ये लेस है इसमें ब्लू नज़र आ रही है, मगर ये जो है ग्रीनिश कलर की जो प्रॉपर लेस है और वर्क देख सकते हैं आप, बहुत ही फाइन फैब्रिक जो है ड्रेस का है। और देखिए कितना प्यारा सा सिल्क में ही ब्लाउज दिया है हमने। ये 30 स्पेशल ड्रेस और जन्माष्टमी स्पेशल ड्रेसेस हम लोगों ने निकाली हैं और साथ में मिलेगी आपको स्कोन स्टाइल धोती कृष्णा जी की, मैं पहना के दिखाऊंगी। एक पट का मिलेगा आपको सेम लेस वर्क में और बहुत ही प्यारा अगेन सिल्क का जो है वो ब्लाउज मिलेगा कृष्णा जी के लिए पैक ओपन। और साथ में मिलेगी आपको कृष्णा जी के लिए कटकाशनी, बेहद ही फाइन क्वालिटी और सिलाई आप देख सकते हैं बहुत ही जो है अच्छे से स्टिचिंग है ड्रेस की, बहुत ही मजबूती से सारा वर्क है। ऐसा नहीं है पहनाने के बाद ड्रेस एकदम से जो है सिलाई निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से जो है सिलाई की गई है ड्रेस की। तो सबसे पहले मैं जो है इसका साइज बता देती हूँ ड्रेस का, जो भक्त घर पर सिलना चाहते हैं और जो लोग हमसे मंगाना चाहेंगे वो भी मंगा सकते हैं। और इस जो है ड्रेस का साइज जो हल्का सा मैंने लूज रखा है, जिससे जो 12 इंची में विग्रह होते हैं उसमें 12 इंची में कई तरह के वो हमारे पास जो है राधा रानी, एक राधा रानी जो 12 इंची में हल्की सी जो है वो थोड़ी सी साइज में छोड़ी हैं और ये राधा रानी हल्की सी पतली है। तो ये जो ड्रेस का साइज है ये दोनों ही तरह के राधा कृष्णा को आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब कोई बोलता है कि ये 12 इंची के विग्रह हैं तो कस्टमर से पूछते हैं हम कि आपके विग्रह जो है वो कितने इंचेस के हैं, तो वो लोग यहाँ से साइज मेजर करके और यहाँ तक साइज बताते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो विग्रह का साइज माना जाता है वो पूरा यहाँ से लेके और ऊपर तक जो है चोटी तक जो साइज माना जाता है, और हमेशा जो विग्रह अगर 12 इंची के बतलाए जाते हैं तो वो प्रॉपर 12 के नहीं, एक दो जो है सेंटीमीटर कम ही होंगे, ज़्यादा कभी नहीं होते, क्योंकि जिसमें से जिस स्लैब में से ये विग्रह या जिस डाई में से विग्रह बनते हैं मार्बल डस्ट के, उस डाई का साइज जो है वो 12 इंचेस होता है। तो कई बार जो है बनाने में, नीचे से घिसाई करने में, फिनिशिंग में सेंटीमीटर का फर्क आ सकता है। तो देखिए ये 12 इंची यहाँ से देख सकते हैं आप, पूरा जो है वो मैंने 12 इंची लिया है और चोटी तक जो है वो पूरा 12 इंची का साइज है। और जो राधा रानी होती हैं वो हमेशा कृष्णा जी से छोटी होती हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आपकी राधा रानी का क्या साइज है, तो पूरा जो है युगल सरकार का साइज बताया जाता है, ना कि सिर्फ जो है वो राधा रानी का अलग और कृष्णा जी का अलग, या फिर आप लहंगे का जो है वो साइज बताइए, उसी हिसाब से जो है वो ड्रेसेस सिली जाती हैं। अगर आपके पास साइज नहीं, अगर हम पूछे आपके विग्रह का क्या साइज है, 12 इंची, 15 इंची मार्बल डस्ट में, 18 इंची और 9 इंची का जो है वो साइज आता है। तो ये तो बात हुई साइज की, अब मैं जो है आपको ड्रेस जो है लहंगा मेजर करके बता देती हूँ कि कितने इंची का लहंगा जो है 12 इंची की राधा रानी को आता है। ये मेजरिंग टेप है, आप देख सकते हैं, और यहाँ ऊपर से लेके तो देखिए पूरा 8 इंचेस, पूरे 8 इंच की जो है वो लंबाई है लहंगे की। और साइड से मैं दिखाती हूँ आपको कितनी लंबाई है लहंगे की, यहाँ से जो है
वो 1 इंची कम आ रही है साइड से, 8 इंची से आप देख सकते हैं, एक सॉरी 2 इंची कम आ रही है जो लहंगे की है। ये 7.8 सेंटीमीटर जो है साइड से इसकी लेंथ है। और ऊपर से मैं चौड़ाई दिखा देती हूँ। देखिए हमारे जो ये लहंगे होते हैं ये प्रॉपर घेर वाले होते हैं। अक्सर कस्टमर कहते हैं दीदी हमें ऐसा लहंगा बनाना पीछे से पूरा घेर वाला, तो ये देखिए इतना ही हमारी राधा रानी की जो है वो कमर है। तो हमारे जो लहंगे हैं वो प्रॉपर गोलाई लिए होते हैं। यहाँ से चौड़ाई मैं बता देती हूँ आपको, देखिए पूरे 5 इंची की यहाँ से जो है वो गोलाई है। और मैं राधा रानी के वेस्ट की भी आपको लेके दिखाती हूँ, देखिए पूरे 5 इंची आप देख सकते हैं अच्छे से कि हमारे लहंगे जो हैं वो प्रॉपर गोलाई लिए हुए हैं। चारों तरफ से अच्छे से राधा रानी को जो है वो कवर करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ फ्रंट पार्ट जो कवर करे। तो ये तो बात हुई लहंगे की। अब मैं ब्लाउज का जो है आपको साइज बता देती हूँ, तो आप नोट कर लीजिए और वीडियो को जो है वो शेयर भी कर दीजिए आप अपने टेलर को जहाँ से सिलाई कराते हैं आप। तो लेंथ जो है ये पूरे राधा रानी के ब्लाउज की 3.1 सेंटीमीटर है। आप नोट करते जाइए या वीडियो को सेव करके रख लीजिए अगर आपके 12 इंची के विग्रह हैं। और चौड़ाई प्रॉपर, क्योंकि ये पीछे से देखिए इस तरह से हमें इसको रखना पड़ेगा। तो अब हम जो है वो चौड़ाई मेजर करेंगे, पूरा 3.6 जो है वो ऊपर से आ रही है इसके कंधों से 3.6। और नीचे से भी मैं दिखा दूँ, पूरा ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको सिलाई से लेके सिलाई तक, ये 3.5 है पूरा नीचे से। तो 0.1 का अंतर जो है वो आ रहा है पूरा 3.5 के जो है आप सिलवाएं, 3.5 है पूरा आप देख सकते हैं अच्छे से। बाजू थोड़ी सी लूज रखी है जिससे कि मार्बल के विग्रह में थोड़ा सा लूज ही हमें बाजू को रखना चाहिए, इस बात का खास ध्यान दें। इसमें 1.6 आप देख सकते हैं, हमेशा बाजू को लूज रखें। मेटल के विग्रह में आप टाइट रख सकते हैं लेकिन मार्बल के विग्रह में हमेशा लूज रखें। ये अगेन 1.6 सेंटीमीटर ये बाजू हो गई। और मैं अब आपको लेंथ मैंने शायद बता दी आपको, 3.6 सेम बैक से सेम जो है साइज होगा और पीछे से ओपन है। और अब दुपट्टे की लेंथ और ब्रेथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन हमारे दुपट्टे की, इस वाले दुपट्टे की लेंथ कितनी है, हमें हमेशा सेम लेंथ नहीं रखते, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लेंथ जो है दुपट्टे की चेंज होती रहती है। ये पूरा देख सकते हैं आप 25 इंच का जो है लेंथ है हमारे दुपट्टे की, 12 इंच के लहंगे के साथ राधा रानी के। और जो ब्रेथ हमने रखी है वो 8.7 सेंटीमीटर की जो है वो ब्रेथ है। और कृष्णा जी की धोती की, क्योंकि ये इस्कॉन स्टाइल धोती है, तो देखिए धोती का फ्रंट पार्ट मैं दिखा दूँ आपको, पूरा 7 इंच का फ्रंट पार्ट है। और जो इनके पैरों का दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि ये साइड से निकल जाती है धोती, और ये पूरा 7 इंच की धोती की लेंथ है। ऊपर से ब्रेथ दिखा देती हूँ मैं, फ्रंट की जो है 3 इंच की जो है वो फ्रंट की है। और पूरा ओपन खोल के भी बता देती हूँ कितना है कहीं से कहीं तक, जिसको जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए पूरा 6 इंचेस की ये ओपन करने के बाद है, पूरा कवर करेगी ये जो है हमारे कृष्णा जी को। और ये पटका डबल में है, मैं डबल में ही बता देती हूँ, आप इसका जो है वो डबल कर लेना फिर लेंथ को। तो पूरा 13 है, तो 26 जो है पटके की लेंथ है। और कटकाचनी कृष्णा जी की, कटकाचनी की जो है लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हमारी कटकाचनी की लेंथ जो है वो 4.5 है। और अगेन चौड़ाई जो है आप देखिए 3.7 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ाई है ऊपर से कटकाचने की। और साइड से भी मैं बता देती हूँ लेंथ कितनी है, साइड की लेंथ 4.6 है। आप नोट कर सकते हैं कृष्णा जी का ब्लाउज़
लेंथ अगेन 3.5 जो है वो लेंथ है। देखिए आप नीचे से ब्रेथ दिखा देती हूँ मैं आपको, 3.7 देख सकते हैं आप अच्छे से वीडियो में, नीचे से ब्रेथ है, पीछे से इस तरह से ओपन है। बाजू भी बता देती हूँ मैं कृष्णा जी की, देख सकते हैं आप सिलने के बाद 1.7 बिल्कुल तैयार बाजू हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर हमने लूज रखा है। अब मैं पहना के दिखाती हूँ आपको, और अब जो है राधा रानी का दुपट्टा आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं जब प्रॉपर श्रृंगार होता है। अभी मैं हल्का सा आपको ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ, तो आप ग्रेस देख सकते हैं ड्रेस का। अभी तो हमने श्रृंगार भी नहीं किया, हल्का सा आपको लगा के दिखाया है, लेकिन आप ड्रेस का ग्रेस देखिए। अब देखिए ये कृष्णा जी की स्कोन स्टाइल धोती है, कैसे पहनाते हैं इसको, पीछे से बांध लीजिए। देखिए इसको कृष्णा जी के पैरों में जो गैप होता है उसमें से इस तरह से निकाल दें, देखिए तो ये बहुत अच्छी शेप ले जाती है धोती। आप देख सकते हैं धोती की शेप, देखिए पूरा स्कोन स्टाइल धोती जब ये साइड से निकलते हैं तो बहुत ही प्यारी शेप लेती है धोती। तो आप देख सकते हैं शेप, और ऊपर से चाहें तो आप इस तरह भी रख सकते हैं सिर्फ धोती, और चाहें तो ऊपर से कटकाचने भी आप पहना सकते हैं। मैं कटकाचने पहना के दिखा सकती हूँ, अगर आपका कटकाचने पहनाने का मन ना हो तो सिंपल आप जो है वो धोती और पटका भी। हमने डिज़ाइन इस तरह से की है ड्रेसेस कि वन ड्रेस में ही दोनों का काम कर जाए, आपकी कटकाचने के साथ भी और धोती के साथ भी, जिससे जो है वो डिफरेंट लुक दे। तो देखिए ये कटकाचने के साथ लुक है ड्रेस का, कृष्णा जी की स्कर्ट, और ये है हमारे कृष्णा जी का पटका। तो हो गए हमारे कान्हा जी तैयार झूला झूलने के लिए। तो जिसको भी ये ड्रेस पसंद आई आ रही है तो फटाफट से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे ऑर्डर प्लेस करा दें, नहीं तो फिर से सेल आउट हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। और हमने एक ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन लॉन्च किया अभी ज्वेलरी का, जिसमें ये है वेस्ट बेल्ट, ये है जो गले का नेकलेस है, दो जो है कंगन है इसमें, ये पाजेब हैं कानों के हैं, और सेम ही जो है वो राधा रानी के में है, वेस्ट बेल्ट पाजेब कानों के टॉप्स कंगन। और आप खूबसूरती देख सकते हैं ये गले का पर्ल एंड कुंदन का ये जो है सेट है, बेहद ही खूबसूरत छोटे साइज में हमने इसको लॉन्च किया है। ये जो है लड्डू गोपाल को, 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल को और 12 इंचेस के युगल सरकार को बिल्कुल ठीक आएगा, 12 इंचेस तक के उनसे जो है छोटे युगल सरकार के भी ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, 9 इंच के युगल सरकार को भी। तो अब मैं जो है पहना के दिखाती हूँ आपको इसे। ये हेयर विग है 12 इंच के लिए, हमारे पास जो हेयर विग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के होते हैं। वैसे तो जन्माष्टमी से पहले मैंने बोला था जिस जिसको बनवाने हैं ऑर्डर दे दीजिए, लेकिन अभी फेस्टिवल की वजह से जो सिर्फ रेडी हैं हमारे पास डिज़ाइन वही हम दे पाएंगे, न्यू डिज़ाइन रेडी करने का भी समय नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें हमारी जो है वो कस्टमाइज होती है। जिसको ये हेयर विग अगर पसंद आ रहा है और जन्माष्टमी के लिए लेना है तो प्लीज़ आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड डिज़ाइन जो है वो लेफ़्ट ओवर हैं। फिर आप बोलोगे दीदी ऐसा बनवा दीजिए प्लीज़, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ लिमिटेड डिज़ाइन लेफ़्ट ओवर हैं और कारीगर के पास अभी बनाने के समय नहीं है, जन्माष्टमी की वजह से बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। ये वीडियो भी जो है मैं एक जो हमारे प्यारे से भक्त हैं उनकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, उनको जो है साइज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो भी आपको पसंद आता है आप फटाफट ऑर्डर बुक करा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। पास से दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए कितना बेहद ही खूबसूरत, बेहद जो है फिनिशिंग के साथ वर्क किया गया है। चंद्रिका जो है वो ऑलरेडी अटैच्ड है, सामने से चोटी अटैच्ड है इसमें, बेहद ही बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, सभी ड्रेसेस पे चलने वाला जो ये है हेयर स्टाइल है। पीछे से इसमें
ओपन हेयर हैं और इस डिज़ाइन की सिर्फ यही वाला हेयर स्टाइल लेफ्ट ओवर है, अदर डिज़ाइन मिलेंगे फिर आपको। वो हमारी लाडो हो गई हैं बिल्कुल रेडी तीज पर, सावन पर झूला झूलने के लिए। तो अब हमने लगा दिए हैं कर्ली हेयर अपने कृष्णा जी के, और ऊपर मोर मुकुट, और ये जो पटका है ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप सेट कीजिए। और देखिए हमारे कृष्णा जी भी झूला झूलने के लिए एकदम से रेडी हैं। ये बेहद ही खूबसूरत सी एडी की बांसुरी जो है आप देख सकते हैं, बांसुरी कितनी ही खूबसूरत है। कृष्णा जी को हम लगा देते हैं, बेहद ही फाइन क्वालिटी में बांसुरी है। तो देख सकते हैं आप हमारे जो कृष्णा जी हैं और हमारी राधा रानी हैं, बेहद ही खूबसूरत जो है इन्होंने अपना श्रृंगार कराया है। बहुत ही प्यारी जो है ये ड्रेस लग रही है श्रृंगार के साथ। और अगर आपको भी 12 इंच में मार्बल डस्ट में कृष्णा जी और राधा रानी अपने घर मंगवाने हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और अगर आपको अलग से ये पगड़ी हेयर स्टाइल और ये ज्वेलरी अगर पसंद आई है तो आप अपनी चॉइस से जो है ज्वेलरी को कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, यानी कि कलर आप चाहेंगे तो ऑल कलर्स में जो है अवेलेबल हो जाएगी ये ज्वेलरी। और देखिए यहाँ पे हमने वेस्ट बेल्ट जो है कृष्णा जी के गले में शॉर्ट हार के रूप में पहना दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो राधे राधे, हरी बोलो, हरी हरी बोलो।